helps in growth of our body, it protects us from many diseases as well. फूड एक तो हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, दूसरा क्या है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, ये हमारी बहुत सारी डिसीजेज से प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है. फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. फूड क्या है, सारी जो भी जानवर हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स. वट आर न्यूट्रिएंट्स? फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. फूड में जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं और हमारी ग्रोथ होती है, तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स अपने लिए फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडीज. अब न्यूट्रिएंट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जो क्या है उनकी कैटेगरीज होती हैं. कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ क्या है हमारी ग्रोथ को बूस्ट अप करते हैं. बिसाइड दी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. इसके अलावा फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इससे क्या है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है और डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है. इन सभी का जो काम है बॉडी में अलग अलग है. इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, रफेज. रफेज हमारी जो बॉडी का जो होता है डाइजेशन सिस्टम होता है उसको मेंटेन करके रखता है, और वाटर क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. अब फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसकी टू टाइप्स होती हैं, शुगर एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट्स किस कौन कौन सी फूड आइटम्स में होता है, वीट में, राइस में, पोटैटो में, कॉर्न में, शुगर में, कैरेट और चॉकलेट्स में. ये सारे हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप अस वार्म. कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट फैट में कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा होती है. एक्स्ट्रा फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़. अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं तो इसकी जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो क्या है, फ्यूचर यूज़ के लिए हमारी बॉडी में सेव हो जाती है. एंड When the body does not get enough food to eat, this energy can be used for the future. अगर आप दो तीन दिन तक खाना ना खाएं और इनकी फैट की जो क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ले लें, तो हमें क्या है, दो तीन दिन तक भूख भी नहीं लगती है, ठीक है. और इसको खा के हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो शाइनिंग बनता है और हेल्दी रहता है. कौन कौन सी फूड आइटम्स में फैट होता है, ऑयल में, घी में, चीज़ में, बटर में, कैश्यू नट में, ये सारे क्या होते हैं, फैट से भरपूर होते हैं.